हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लाइव स्टॉक मार्केट वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पाने के लिए। इंडिया में वन नेशन वन कार्ड फाइनली लॉन्च हो चुका है। इस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं और आप इस कार्ड को कहां से ले सकते हैं, और हाँ, इस पूरे इनिशिएटिव से किस कंपनी को फायदा मिलने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडिया में फाइनली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च हो चुका है, जिसको वन नेशन वन कार्ड बोला गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही एक सिंगल कार्ड पूरे इंडिया में बस में ट्रेवल करने के लिए या ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए, या अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो टोल प्लाजा पे टोल भरने के लिए, या इनफैक्ट अगर आप अपनी कार कहीं पे पार्क कर रहे हैं और आपको पार्किंग चार्जेस पे करने हैं तो उसके लिए भी आप यही कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड बस इतना ही नहीं, आप इस कार्ड को शॉपिंग करने के लिए, अपने पेंडिंग बिल्स पे करने के लिए और अपने बैंक एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक ही कार्ड सब काम के लिए। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि आपको इसी कार्ड के अंदर बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स भी दिए जाएंगे आपकी यही सब ट्रांजैक्शन के लिए। तो इससे बढ़िया क्या होगा। इन कार्ड्स को इशू करने का प्रोसेस एकदम रुपे कार्ड की तरह रहेगा, जहां पे आपको अपनी बैंक ब्रांच को अप्रोच करना होगा, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे एंड उसके बाद आपको कार्ड इशू हो जाएगा। ऐसा बोला गया है कि ये कार्ड 25 से भी ज्यादा बैंक इशू करेंगे, जिसमें SBI बैंक, अलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड सारे मेजर बैंक शामिल हैं। ये कार्ड आपके रुपे कार्ड की तरह ही एक प्रीपेड कार्ड होगा, जहां पे आपको इस कार्ड को रिचार्ज करना होगा एंड उसके बाद आप इस सेम कार्ड को डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की कुछ खास बातों की। इस पूरे सिस्टम की एप्लीकेशन के लिए एक AFC सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। अभी तक इंडिया के अंदर जो भी AFC सिस्टम यूज किए जा रहे थे वो सारे फॉरेन प्लेयर्स के थे, मतलब बाहर से कंपनी आती थी और यहां पे वो इंस्टॉल करती थी, हमारे पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। एंड वन नेशन वन कार्ड के लिए ये AFC सिस्टम का इंडिया में बनना इंडिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत जरूरी था। एक चैलेंज ये था कि ये सिस्टम भारत को विदेश से ही मंगवाना पड़ता था। अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए सिस्टम की वजह से देश में एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था विकसित नहीं हो पा रही थी, यानी एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता था, बेकार हो जाता था। ये काम दिया गया CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को, एंड साथ ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से गेट एंड रीडर सिस्टम डेवलप करवाया गया। एंड इसके साथ ही ये कंपनी एक ऐसी पहली इंडियन कंपनी बन गई जिसने सक्सेसफुली गेट एंड रीडर सिस्टम को डेवलप किया। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद हम ऐसे कुछ एलीट नेशंस में आ चुके हैं जो अपना खुद का गेट एंड रीडर सिस्टम प्रोड्यूस करता है। इस व्यवस्था के साथ ही अब विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता खत्म हो गई है, अब जो कुछ भी है वो मेड इन इंडिया। अब भारत दुनिया के उन कुछ इने गिने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की तकनीक है और जो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। और इस न्यूज की अनाउंसमेंट के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 7% ऊपर जा चुका है सिर्फ एक दिन के अंदर। आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 85.15 का लो लगाया और 91.15 का हाई लगाया। आज हमें इस शेयर के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले, जहां पे 1 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम था सिर्फ आज के अंदर। क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव पसंद आया? क्या आपका भी ये कार्ड लेने का प्लान है? जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के सबको बताना। और क्या आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर का फ्यूचर यहां से अच्छा दिखाई दे रहा है? क्या आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हो या आप इसको बाय करने वाले हो? जरूर वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताना। और साथ में आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड साथ ही में अगर मोबिलिटी कार्ड को लेके कोई और अपडेट आएगा तो हम ट्राई करेंगे उसके बारे में भी एक वीडियो बना दे। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।